हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्यू एंड ए सेशन, तो हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, सो वी विल रिसाइट ए वन श्लोका, दैट इज अ वसुदेव सुतम देवम कृष्ण चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द श्लोका, दैट वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और कंस और चानूर को मानने वाले तथा माता देवकी की परम आनंद स्वरूप उन जगत गुरु, जगत के गुरु श्री कृष्ण को हम साक्षात प्रणाम करते हैं। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले इस श्लोक को हमेशा रिसाइट करना चाहिए। सो कल ये क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे कि जगत गुरु जो है उसकी उपाधि किसे मिलती है और कौन इसे लगा सकता है। तो आजकल जगत गुरु की जो उपाधि है वो कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक पुरुष जो है वो लगा सकते हैं, अगर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। पर अगर देखा जाए तो अधिकतर जो आध्यात्मिक मठ और पीठ और मॉनेस्ट्रीज होती हैं, वहाँ के जो पीठाधीश्वर होते हैं, सक्सेसर होते हैं, वो ही इस शीर्षक का उपयोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द टाइटल और वी कैन से द डेजिग्नेशन। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगता है बिकॉज मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा है ना। तो जैसे MBBS किया, MD किया, तो आपको डेजिग्नेशन मिला डॉक्टर, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल BA MA करोगे तो आपको नहीं मिलेगा ना डॉक्टर का शीर्षक, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है और फिर आपको शीर्षक मिलता है। उसी प्रकार से जो ये संत होते हैं, जो जगत गुरु होते हैं, ये भी अपनी परीक्षा देते हैं, अपना वेदांगों का, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, फिर इन्हें उपाधि दी जाती है।